हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन लिटरेट अपडेट। और ये आज की मेरी सेकंड वीडियो है रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स ऑफ द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, स्पेशली फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज, जो आज से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है जेके बोपी की वेबसाइट के ऊपर। और ये उसका फाइनल सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है स्पेशली फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी। उसका सीट मैट्रिक्स जो ये जो फाइनल सीट मैट्रिक्स है ये हमारे पास आ चुका है। अब मैंने बीएससी नर्सिंग का अभी अपलोड किया है अपने चैनल के ऊपर। ये दिस इज़ माय सेकंड वीडियो टू कंप्लीट द सीट मैट्रिक्स ऑफ द बीएससी नर्सिंग एंड द बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। एक वीडियो में वो नहीं आ रहा था, काफ़ी लेंथी वीडियो थी, तो इसलिए मैंने एक सेकेंड वीडियो बनाकर अब ये पैरामेडिकल का मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की आप सबके साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ सके, स्पेशली फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ द दीज कोर्सेज आर जेके बोपी, जिसकी काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है। तो पहले हम बात करते हैं बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की। तो इसमें अगर मैं अनंतनाग की, पहले तो अनंतनाग कॉलेज की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो इनटेक निकल के आ रहा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, वो 20 का इनटेक निकल के आ रहा है। फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, वो भी 20 का इंटेक निकल के आ रहा है अनंतनाग में। और अनंतनाग में रेडियल डायलिसिस का भी 20 का इंटेक, 10 का आ रहा है एनेस्थीशिया टेक्नोलॉजी का, रेडियोग्राफी का जो है वो 10 का इंटेक निकल के आ रहा है। फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का 20 का इंटेक इनके पास निकल के आ रहा है। और ये आ गए इनके ओपन मेरिट की जो भी कैपेसिटी है, जैसे 10 आ गई, 11, 10, 5, 6 और 11, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। उसके बाद अगर हम कैपेसिटी कैटेगरी की, जो टोटल कैटेगरी का इंटेक इनके पास निकल के आ रहा है वो ये है आपके सामने, ठीक है, जिसमें ये जो पांचों कोर्स हैं ये वाले, ठीक है, इसका बारे में ये यहाँ पर बता रहे हैं। ओपन मेट की कैपेसिटी भी दिखा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इनकी कैटेगरी की कैपेसिटी और सब डिवीज़न जो है कैटेगरी वाइज, मैं उस डिटेल में जाऊँगा, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है वो ये है सारा, ठीक है। मैं इसी का स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टा पे भी शेयर कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट मैं उधर भी शेयर करूंगा, आप मुझे उधर भी प्लीज़ फॉलो कीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अनदर जो नेक्स्ट कॉलेज निकल के आ रहा है, डैट इज़ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टोडा की बात करूँ, यहाँ पर 3 ही कोर्स ये दिखा रहे हैं मेडिकल, ये वाले मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, रेडियल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, और इनका इनटेक तीनों में इसमें 20 का है। ओपन मेरिट में इनके पास जो सीट्स निकल के आ रही है वो 11, 10, 10 इन 3 कोर्सेज के लिए, और कैटेगरी के लिए 999 ईच। और सब डिवीज़न जो है, जो सब डिवीज़न है इन सीट्स का, वो भी ये आपके सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है। ये देखिए, ये जो 3 है ये इनकी सब डिवीज़न है, SC, ST, OSC, RBA, ALC, ये सारी सीटें यहाँ पर दिख रही हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात निकल के आती है। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड कॉलेज विच बाय द ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर दीज पैरामेडिकल कोर्सेज। सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, कोर्सेज भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा है इनके पास, जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एनेस्थीशिया टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, न्यूरो साइंसिस टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी। तो ऑलमोस्ट 6, 7, 8 कोर्सेज इनके पास चल रहे हैं ये वाले। और इनका जो इनटेक निकल के आ रहा है वो भी आपकी स्क्रीन पे ये सामने दिख रहा है ईच कोर्सेज का। और ये आ गया इसका ओपन मेरिट का इनटेक इन कोर्सेज का, और ये आ गया इनका कैटेगरी का इनटेक इन कोर्सेज का, और सब डिवीज़न आ गया इन कोर्सेज का कि क्या क्या कैटेगरी की सीट्स इनके पास अवेलेबल है फॉर वेरियस कैटेगरीज, जैसे SC, ST, OSC, RBA, ALC। और ये आपके कोर्स सामने दिख रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के, उसका सीट मैट्रिक्स आपके सामने ये दिख रहा है। उसके बाद बात आती है कठुआ की, तो कठुआ में 3 कोर्सेज ही दिख रहे हैं स्क्रीन पे ये देखिए, और इसमें भी 20 का ईच का इंटेक है, और ओपन मेरिट में 10, 11, 10 का इंटेक दिख रहा है, और कैटेगरी में 999, मतलब तीनों कोर्सेज में 999 का इंटेक ये दिख रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और रेडियल डायलिसिस टेक्नोलॉजी का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल लैब मेडिकल कॉलेज रजौरी, सॉरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी की, तो इसमें 3 कोर्सेज निकल के आ रहे हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियल डायलिसिस टेक्नोलॉजी।
और यहाँ पे तीनों में 20 का इनटेक है, और उसके बाद 10, 11, 10 जो है ओपन मेरिट में, और तीनों में 999 सीट्स हैं। और कंसर्निंग कैटेगरीज़ में कौन कौन सी सीट्स हैं वो आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रही हैं। फिर उसके बाद बात आती है बारामूला की। बारामूला में भी आपके पांच जो कॉलेजेस हैं, पांच सारे कोर्सेज हैं, उसके लिए ये इनटेक निकल के आ रहा है। ओपन मेरिट ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, लेंसेज टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियोग्राफी, और हाँ ये चार निकल के आ रहे हैं। तो इसमें जो इनटेक इनका निकल के आ रहा है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, और कैटेगरी वाइज जो सीट्स हैं वो भी आपके सामने निकल के आ रही है। उसके बाद जो हमारा मेजर एक कॉलेज निकल के आ रहा है, डैट इज़ द मोस्ट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन बीएससी पैरामेडिकल, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज इन पैरामेडिकल, डैट इज़ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, ठीक है। और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैं आपको बता दूं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, न्यूरो साइंसेस टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी इसमें निकल के आ रहा है, और रेडियोथेरेपी भी इसमें निकल के आ रहा है। तो आई थिंक 9-10 कोर्सेज हैं, मैं एक सेकेंड वन काउंट कर लेता हूँ, 6 हाँ 10 कोर्सेज ये निकल के आ रहे हैं इसके पास, इस इंस्टीट्यूट के पास, और ये उनका ओपन मेरिट का जो टोटल इनटेक है ईच कोर्सेज के लिए वो आपके सामने हैं। ये आ गया इनका ओपन मेरिट का इनटेक जो उनके पास है। फिर ये निकल के आता है कैटेगरी वाइज इनटेक जो इन कॉलेजेस के इस कॉलेज के पास है फॉर वेरियस कोर्सेज, तो ये आपके स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो इंडिविजुअल इनटेक है कैटेगरी वाइज वो भी आपकी स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। तो मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनके मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 20 का इनटेक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में भी 20 का, रैन डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 20 का, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 10, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी में भी 10 का, न्यूरोसाइंसिस में 10 का, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी में भी 10 का इनटेक निकल के आ रहा है इनके पास। फिर उसके पास रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी में भी 10, फिर ये 20 फिजियोथेरेपी में, रेडियोग्राफी में भी 10 का इनटेक निकल के आ रहा है एज पर द दिस फाइनल सीट मैट्रिक्स फॉर द काउंसलिंग ऑफ द बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज बिलोंगिंग टू जेएंडके यूटी फॉर द ईयर 2022। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेजेस में कैटेगरीज तो होती नहीं है, लेकिन जो सीट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे ये दिख रही है, ठीक है। जैसे चकबलवाल जम्मू में जो हैं वो इनके पास चार इनटेक निकल के आ रहे हैं चार कोर्सेज के, और ये उनका कैपेसिटी का इनटेक है। फिर उसके बाद मीरा साहब स्टीफन नर्सिंग मीरा साहब कॉलेज जो है इसमें भी ये चार आई थिंक पाँच का इनटेक निकल के आ रहा है, वो भी इनका टोटल इनटेक आपकी स्क्रीन पर सामने ये दिख रहा है। अर्श इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगर मैं बात करूँ श्रीनगर की, तो श्रीनगर में जो इनटेक निकल के आ रहा है इस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, आई थिंक 6 कोर्सेज ये चला रहे हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने, और टोटल इनटेक भी सब में ईच कोर्सेज में 30 का है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे नहीं मिलते हैं पैरामेडिकल हो या बीएससी नर्सिंग हो, तो गो फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। दे आर ऑल्सो इक्वली गुड, बस फीस स्ट्रक्चर में मानता हूँ कि वो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, लेकिन पूरा साल वेस्ट करने से अच्छा है कि गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आपको लगता है कि आपका रैंक लोअर साइड पे, और अगर आपको सीट्स की अवेलेबिलिटी में दिक्कत आ रही है, तो काउंसलिंग के टाइम पे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद फ्लोरेंस पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट अनंतनाग की बात करूं, तो यहां पर भी जो इनटेक है वो आपके स्क्रीन के सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, इसकी अगर मैं बात करूं, तो यहां पर भी जो इनका इनटेक है चार कोर्सेज ये पाँच कोर्सेज ये चला रहे हैं, और वो इनटेक भी आपकी स्क्रीन पे सामने है, ये जम्मू से बिलोंग कर रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ पुलवामा में भी जो कॉलेज है उसमें भी इनका तीन का इनटेक ये निकल के आ रहा है, और तीन कोर्सेज के चला रहे हैं। और एक सेकंड में एक और मेरे स्क्रीनशॉट में कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसके बाद पुलवामा के बाद जो हाँ एक जो थोड़े से जो कॉलेजेस रहते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जैसे ये आ गया आपके श्रीनगर में करन नगर श्रीनगर में, इनके पास 40 का इनटेक है। फिर श्रीनगर में अनदर कॉलेज है ये वाला कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये वाला इनके पास चार का इनटेक है, चार कोर्सेज का और 30 ईच कोर्सेज में। फिर सेट पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर ये जो है ये भी चार का इनटेक दिखा रहा है चार कोर्सेज का, और ये उनकी सीट मैट्रिक से 25 का ईच इनटेक है इनके पास। फिर
आपका नूरानी पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इनके पास भी चार कोर्सेज हैं और चारों में 15 का इंटेक ये दिखा रहा है। फिर उसके बाद सोपुर में ये एक कॉलेज ये दिखा रहा है, इसके पास भी 30 का इंटेक है, तीन कोर्सेज ये चला रहे हैं, बेसिक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये तीन का जो इंटेक है वो मैं अपने आपको स्क्रीन पे ये मैंने दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सीट मैट्रिक्स स्पेशली फॉर द बीएससी पैरामेडिकल फाइनल सीट मैट्रिक्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस आल्सो। अगर आपको लगता है, मेरी एक ही आपको सजेशन है, गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस आल्सो। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट में आपका सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि टोटल कैंडिडेट्स 8500 प्लस कैंडिडेट्स हैं, 8500 और टोटल सीट्स 3200 के नियर अबाउट है, तो देर इज़ अ डिफरेंस, यू हैव टू गो फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट में नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, फॉर सपोर्टिंग अवर चैनल। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।